ओ भाई बता तो दे कहाँ घूम रहा है। आज की जो वीडियो है वो है एप्सरॉन की। एप्सरॉन एक आइलैंड है अज़रबैजान में, अगर आपको नहीं पता तो फारिग होंगे आप भी, थोड़ी हिस्ट्री जान लें, थोड़ा देख लें, फील करें शफरो। तो स्टोरी ये है कि ये था हमारा अज़रबैजान में तीसरा दिन। हम बाकू के होटल में थे, आपको मैंने शायद पहले बताया अपनी वीडियोज में। हम लोग सुबह 10 बजे निकले और एक तो वहाँ पे ठंड थी, दूसरा वहाँ बारिश थी, और तीसरा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी। हाँ तो भैया ये है एप्सरॉन की गलियाँ, और इससे आगे मैंने जो भी बोला वो सब जो है हवा तेज़ होने के कारण रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो भैया ये है म्यूज़ियम आतिशगाह। अभी हम जा रहे हैं अंदर इसके। अभी मैं आया हूँ आतिशगाह की तरफ। ये आतिशगाह एक म्यूज़ियम है दरअसल, और यहाँ जितने भी आतिश परस्त थे यहाँ से जो है कुदरती तौर पर, ये जो पीछे आप ये देख रहे हो ये टेंपल टाइप बना हुआ था, यहाँ से खुद ही जो है ना गैस निकलती है और उसके ज़रिए आग यहाँ से निकलती रहती है 12 महीने। ये एक वहाँ लगा हुआ है, वहीं पर जो है वो तो वो भी बना हुआ शमशान घाट। यहाँ पर आतिश परस्त आए तो वो ये समझे कि ये हमारे गॉड के साइन है। भैया ये वो टेम्पल है जो 5th सेंचुरी से यहाँ पर बना हुआ है, और उसके बाद ये इन्होंने दोबारा जो है रिनोवेट किया। वहाँ चल रही है एक आग, उसमें मेरे साथ यहाँ चल रही है। हम जब बाहर निकलते हैं ना तो एक ठंड की जो लेयर हमारे जिस्म में घुसती है वो मुंह के ज़रिए हवा जो आती है बाहर स्मोक उसके ज़रिए पता चलता है। हाँ भाई ये जो ठंड है ये हल्की नहीं है। यार देखो अंदर से वीडियो ना बनाने के ना 2 वजह होती हैं। एक तो वहाँ लो लाइट होती है, ठीक है, और दूसरी वजह जो मेरी है वो ये है कि वहाँ जो भी लिखा हुआ था ना वो सब आज़री में था। आज़री मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज अज़रबैजान की। तो लेकिन अगर आप कहते हो तो दिखा देते हैं आपको, कोई जो का मसला नहीं है, आप देख लो। ये दिमाग होता होगा तो जैसे नहीं वो दवाइयाँ कलमा पढ़ते हैं। ये लेटे हैं वहाँ पर, ये बैठे हैं, इनका इलाज कर रहे हैं, अंदर इलाज चल रहा है फुल। ये सीख लो, इनका गुरु नानक मंदिर बनाया हुआ इन्होंने। ये भी कहते हैं कि हज़रत मूल इस्लाम भी यहाँ पे गाँव में किनारे, वो कहते हैं जब वो कश्ती पे थे तो उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था। ये तो हो गया आतिशगाह। अब हम जाएंगे यनरदर, सीधी लफ्ज़ों में फायर माउंटेन। अभी हम आए हैं फायर माउंटेन, और यहाँ पर अंदर एक माउंटेन है जिसके नीचे कुदरती तौर पर आग जलती रहती है। एक मिनट, अगर आपने इससे पहले इसके बारे में नहीं देखा या नहीं सुना तो मैं आपको बता दूँ कि यू विल बी हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दिस, यू विल बी शॉक्ड आफ्टर वॉचिंग दिस, एंड यू विल बी प्राउड। जो भी है बस आप देख लो। ये यहाँ के लोगों के हिसाब से यहाँ पर ये जो आग है ये 1950 से जल रही है। ये कोई चराहा था जो बकरियाँ चराता था, उससे यहाँ पर 1950 में आज से कोई 70 साल पहले गलती से आग लग गई थी। तो जब से ये आग यहाँ पे जल रही है, कुदरत ये है कि ये जो है पूरा पहाड़ जो है इसके चारों तरफ ग्रीनरी भी है,
और इतनी सर्दी में इतनी तेज़ हवाओं में भी ये जो आग जलती रहती है, असल में यहाँ से गैस निकल रहा है और इतनी गैस की वजह से यहाँ पर जो है ना ये आग लगी हुई है। और अब वक्त हुआ जाता है बीबी हैबत के मज़ार का, मज़ार देखते जाएं, स्टोरी सुनते जाएं। ये है बीबी हैबत का मज़ार और ये जो है दोबारा इन्होंने बनाया 1990 के बाद। इस मज़ार की स्टोरी ये है कि ये मज़ार 18 सेंचुरी से बना हुआ है और जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू हुई रशिया में तो यहाँ पर जो है 1936 में इसको तोड़ दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था पूरा। ये थी मेरी फर्स्ट स्टोरी, मुझे तो डॉक्यूमेंट्री लग रही है। और फर्स्ट ट्राई आप लोगों से इल्तिमास है कि आप हमारी स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर दें अगर करना चाहें तो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे ब्लॉग में।